दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष के अनुसार सभी धातुओं पर ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव होते हैं। सोने को जिस प्रकार से गुरु की धातु माना जाता है, उसी प्रकार से चांदी पर भी चंद्रमा का आधिपत्य होता है। मगर राशि चक्र में तीन राशियां ऐसी मानी जा गई हैं जिन्हें चांदी के आभूषण नहीं पहनने चाहिए। मेष राशि, धनु राशि और सिंह, ये तीनों ही राशियां अग्नि तत्व की राशियां कहलाती हैं। इन्हें चांदी के गहने नहीं पहनने चाहिए। दरअसल ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का संबंध जल तत्व से है, इसलिए चांदी उन राशियों के लोगों को नहीं पहननी चाहिए जो अग्नि तत्व से संबंध रखते हों। ध्यान रहे, जिनका अग्नि तत्व से संबंध है उन्हें चांदी नहीं पहनना चाहिए। दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं, जिनको एक साथ मिलाने पर भारी नुकसान हो सकता है। आइए आपको बताते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि चांदी के आभूषण पहनने के क्या है नियम, और किनके लिए यह शुभ है और किनके लिए यह अशुभ है। ज्योतिष में कुछ मतों में यह भी कहा जाता है कि चंद्रमा मेष राशि में सुखेश यानी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होता है, जिससे मोती को चांदी के साथ धारण करने से लव लाइफ, शिक्षा और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह भी बात ध्यान रखें कि चांदी के साथ सोने के अलावा कोई भी अन्य धातु न मिलाकर पहने। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि चांदी के आभूषण कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए सर्वोत्तम होते हैं, यह बहुत ही शुभ होते हैं। इन राशियों को जल तत्व की राशियां माना जाता है और चांदी भी जल तत्व की राशि होने के कारण इन राशियों के लोगों के लिए शुभ मानी जाती है। मेष, सिंह और धनु के लिए चांदी शुभ नहीं मानी जाती, जबकि बाकी राशियों के लिए चांदी पहनना सामान्य फल देता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि चांदी का प्रयोग करने से हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। सामर्थ्य के अनुसार घर में चांदी के बर्तनों का प्रयोग करने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है और कंजुगल लाइफ में मतलब दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। वहाँ चांदी का छल्ला कनिष्ठा उंगली में धारण करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही बच्चे को गले में चांदी का चंद्रमा पहनाने से वह सर्दी और कफ के कारण होने वाली समस्याओं से दूर रहते हैं। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि जो लोग हार्मोन्स के कारण होने वाले परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी चांदी का प्रयोग अच्छा होता है और उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है वह सुधरने लगती है। चांदी का प्रयोग केवल ग्रह दशा सुधारने के लिए ही नहीं है, बल्कि भगवान की पूजा में भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चांदी की उत्पत्ति भगवान देवाधिदेव महादेव के नेत्रों से हुई है। ऐसा माना जाता है कि अगर सोमवार को शिव जी को चांदी के लोटे से शुद्ध जल अर्पित किया जाए और पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाए तो भोले बाबा देवाधिदेव महादेव, जो बहुत ही सरल है, वह बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। अविवाहित पुरुष हर सोमवार को ऐसा करे तो उन्हें शीघ्र ही योग्य कन्या मिल जाती है। तो आप चांदी इस प्रकार से धारण करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। आप सब ऐसे बने रहें, वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।